अमृत जाओ कहीं से भी वीर को ढूंढ के लाओ अभी जाओ अमृत सिर्फ विजेंद्र जी की वजह से हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को बर्दाश्त करते हैं वरना कब का बाहर फेंक दिया होता कहाँ है वीर सारे पत्रकार पहुंच चुके हैं सारे कार्यकर्ता आ गए हैं इस बार हम क्या बहाना बनाएंगे रानी माँ मेरा विश्वास कीजिए मैंने पूरी कोशिश की थी वीर को रोकने की पर मुझे नहीं पता इतना सा काम नहीं कर पाई तुम इतना सा काम वो लोग हमारे पूरे परिवार की एक साथ तस्वीर खींचना चाहते हैं क्या कहेंगे उनसे कि हम हमारे परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाए तस्वीर नहीं सिर्फ एक ही बेटा है हमारा हम उसे भी नहीं रोक पाए तुमसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए मैं कहीं से भी वीर को ढूंढ कर लाऊंगी हम दूसरी बार किसी पे भरोसा नहीं करते कहीं नहीं जाओगी तुम घर की बहू पागलों की तरह सड़कों पे अपने पति को ढूंढती फिरे ये बात अगर बाहर पता चली तो हमारी बची कुची इज्जत भी धुल जाएगी देखिए हम प्रेस और पार्टी वाले से कहेंगे कि दोनों पति पत्नी रियासत के किसी जरूरी काम से बाहर गए अब चलिए मैं संभाल लूंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें सबके सामने झूठ बोलना पड़ेगा अब एक एहसान कर दो जब तक सब लोग चले नहीं जाते उनके सामने आने की गलती मत करना और तुम हाँ ये लाली सुर्खी थोड़ी कम कर दो अब खड़ी क्या हो जाओ अपने कमरे में जी, जी। जी जनाब जी मैं अभी पूछता हूं अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं कि प्रेस वालों को और कितना इंतजार करवाया जाएगा इधर अध्यक्ष जी परेशान हो रहे वहां पत्रकार आज ये लड़का हमसे हमारा टिकट छिनवा के रहेगा छोटे भाई बता दो हमें आज कौन उड़ा ले गया आपकी प्रेमिका को उसकी ऐसी की तैसी ना की नाम में तो हमारा नाम भी कुंवर वीर प्रताप सिंह बताओ कौन था तुम लेकिन तुम बड़े भाई उसे कुछ नहीं करोगे एक तो हम कुंवर वीर प्रताप सिंह और दूसरे तुम्हारे बड़े भाई और हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि क्योंकि इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है भाई साहब मतलब आप तो महान निकले आपके पैर के आपके पैर के आपके आपके पैर आपके पैर आपके ना सुर कौन मचा रहा है सोने भी नहीं देता ठीक से बड़े भाई चौकीदार बड़े भाई चौकीदार को नींद से जगा के कैसे बता दो बैठो बैठो अब कैसे करेंगे कैसे संभाल के भाई जान संभाल के हम करेंगे यूं बदतमीज क्या छोटे हम दोनों में से बड़ा भाई कौन है तो बड़े भाई से ऊंची आवाज में कैसे भौंक सकते हो तुम माफी क्षमा क्षमा बड़े भैया चौकीदार चौकीदार आप उसे अपना चेहरा तो दिखाते नहीं हो
तो उसके लिए इतना सजना सवरना। हर किसी को चेहरा थोड़ी ना दिखा सकते हम। पर उदय के लिए सजना सवरना और उसका इंतजार करना मुझे बहुत पसंद है। आपा, मास्टर जी आ गए। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मास्टर साहब। जी आप ब्लैक बोर्ड नहीं लाए? आज हम पढ़ने नहीं वाले? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो क्या है ना जी, जब एक इंसान ना रोज रोज किताबों वाली पढ़ाई करता रहता है ना जी, तो उसका दिमाग थोड़ा उब जाता है, खासकर जी जब मास्टर मेरे जैसा हो। इसलिए आज मैं आपको वो पढ़ाने आया हूँ ना जी, जिसमें उदय किशोर सानी ना बड़ा ही माहिर है। एक मिनट। ये बेलन, कमरबंद, ये पायल। जी मास्टर साहब। जी आज हम हॉकी खेलना सीखने वाले। अब मास्टर जी, ये बेलन का क्या करेंगे? क्या आप रोटी बनाना सिखाएंगे हमें? नहीं जी, ना हम हॉकी खेलना सीखेंगे ना बेलनों से रोटी बनाना। जी हम आम घरेलू औजारों से ना आत्मरक्षा करनी सीखेंगे। जो क्या है ना, जब तक एक महिला ना चाहे उसकी मर्जी ना हो, तो कोई भी मर्द ना उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। एक मिनट, ये आप आ जाइए, ये इससे आप मुझे मारिए। तो मार भी किसी की याद दिला देती है जी। वीर साहब आप यहां हैं? सभी लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं आपको, चलिए हमारे साथ। हमें कौन ढूंढ रहा है? हाँ, हमारी माँ या रानी नलिनी देवी? जी वो भी परेशान है और बहू रानी भी परेशान है। बहू रानी को बहुत डांट पड़ रही है बिना बात की। ऐसा है क्या? अब चलिए हम आते हैं। उठे भाई, जिंदगी में दोबारा हम जरूर मिलेंगे, पर इस वक्त हमारा जाना जरूरी है। क्या ना, हमारे पापों का प्रायश्चित कोई और करे वो हमें मंजूर नहीं। ये लीजिए आपकी अमानत।
आशा करता हूँ कि तुम अमृत का ख्याल रखोगे। जाते जाते ये तो देख कर ही जाऊंगा। क्यों उसका छूना इतना अपनापन सा लगता है? क्यों उसका स्पर्श मुझे इतना जाना पहचाना सा लगता है? क्यों उसके आने से सारी दुनिया तो रुक जाती है लेकिन धड़कनें इतनी तेज हो जाती है? कौन है वो? क्यों वो अपना चेहरा हर वक्त उस पर्दे से ढककर रखती है? हमारी शक्ल देखने के लिए भी पैसे लगते हैं। क्यों उसके पास होने से लगता है कि जरूर उस पर्दे के पीछे कोई अपना है? अगर वो मुझे उसका चेहरा देखना है। धन्यवाद। जुबान बंद रखो। नलिनी जी वैसे भी बड़ी परेशान है। इंदु, मैं काम करूं। क्या? अमृत को गार्डन लेके आओ, बैकयार्ड। लेकिन वीर? वीर आ चुका है। क्या? बाहर खड़ा हुआ है भाई। तुम उसको अच्छी तरह से जानती हो कि नहीं जानती हो? हाँ। तुम अमृत को लेके आओ, मैं वीर को लेके आता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है। बात तो बाहर निकलेगी और ऐसी निकलेगी, संभाले संभली नहीं जाएगी। श्री श्री विजेंद्र सिंह जी। अमृत, चलो वीर आया है। नलिनी भाभी ने तुम्हें बैकयार्ड गार्डन में बुलाया है और ये भी कहा है कि जरा भी देरी मत करना। चलो। वीर साहब आ गए? हाँ हाँ। अरे बानू जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी साहिबा को नाराज करने का इरादा है क्या? अरे पत्रकारों को अंदर भेजो। अरे सोच क्या रहे हो, जाओ भेजो भेजो जल्दी जी। जाओ जल्दी से पत्रकारों को अंदर भेजो। भानु जी, तुमने अभी से इन लोगों को क्यों अंदर बुलाया है? आप ही ने तो हुक्म दिया था ना। वीर साहब आ गए? कहाँ हैं? हाँ हाँ, कहाँ है कुंवर साहब, कहीं नजर नहीं आ रहे? आज कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गए? क्षमा कीजिएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोग आइए, चाय पानी कीजिए। सबको पता है, जरूर इनका बेटा कहीं बैठ के शराब पी रहा होगा। भानु, तुम्हें इन लोगों को अंदर बुलाने के लिए किसने कहा था? जी वो, अरे किसी ने भी कहा हो, लेकिन आपको इस तरह से पत्रकारों को बाहर भेजना नहीं चाहिए। बस एक सुझाव है, अगर आप सुनना चाहें तो, जिससे पत्रकारों के सामने मुफ्त में आपका प्रचार हो जाएगा। ऐसा क्या करना चाहते हैं आप? बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारी भावी सा का दिल कितना बड़ा है, कितनी दूर की वो अपनी पार्टी के लिए सोच रखती है। पार्टी में नए सदस्य जब जुड़ते हैं तभी तो पार्टी बड़ी बनती है ना। अब देखिए ना, आपकी पार्टी के लिए हम खुद जाकर यह तोहफा लेकर आए। आप सोच रहे हैं क्या है? कड़े है, ये हमारी पार्टी का प्रतीक है। देखिए देखिए, हम चाहते हैं कि जो नए कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत आप अपनी पार्टी में ये कड़े पहना कर करें। हाँ, अगर ये अखबार वालों के सामने होता तो कल के अखबार में आपकी खबर और तस्वीर जरूर छप जाते। लेकिन पार्टी अध्यक्ष इस बात से आपको टिकट देने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। चाहे मोहन जैसा भी हो, पर आज बात तो हमारे फायदे की ही कर रहा है।
मैंने बेहतर यही होगा कि पत्रकार जो काम करने आए हैं उन्हें वो अपना काम करने दीजिए, ये सब बाद में उन्हें एक तस्वीर के साथ भेज सकते हैं। अब विजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम मोहन से सहमत हैं, इसलिए ये खबर हम तस्वीर के साथ कल पत्रकारों को भेज देंगे। मैं तो चाह रहा था कि पत्रकारों के सामने ही इनकी बहू की बेइज्जती हो जाए, पर कोई बात नहीं, पत्रकार ना सही, इनके सामने ही अमृत के हाथों पे लिखे गए नाम का राज खोल देता हूं। तो ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत क्यों ना हम घर से करें, घर के ही सदस्य को पार्टी का सदस्य बनाया जाए, और इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारी नई बहुरानी से। क्यों ना इस कंगन को भावी साहब अपने शुभ हाथों से हमारी नई बहुरानी को पहनाए। नहीं, कड़े पहनते वक्त अगर रानी माँ ने मेरे हाथ पे ये नाम देख लिया तो गजब हो जाना है। आ गया अमृत, जाओ ना। बढ़ाओ हाथ अपना अमृत। जल्दी करो अमृत, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। आ, 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 ये वाला हाथ। क्या फर्क पड़ता है अभी साहब, शुभ काम की शुरुआत जो है सीधे हाथ से होनी चाहिए भाई। अपना फारूक अंसारी, कौन है ये फारूक अंसारी और क्यों उसका नाम तुम्हारी कलाई पे है? क्यों छुपा रही थी ये निशान आज तक हम सबसे, बोलो। भाभी साहब, बंटवारे के समय तो ये बहुत आम बात हुआ करती थी भाई। जिन लोगों को अलग मजहब की लड़की मिल जाती थी उसका यही हाल करके छोड़ते थे, और यही नहीं, छोड़ने से पहले उनकी कलाई पर अपने नाम की मुहर लगा दिया करते थे। ठीक वैसे जैसे किला फतेह होता है ना, उसके बाद रियासत अपना झंडा गाड़ देती है ना, वैसे ही बाद में उन लड़कियों कहां भेज दिया जाता था। छी छी छूट गए तो बताते हुए भी शर्म आ रही भाभी साहब। तो मत बोलिए ना, क्योंकि मेरी बहन को कहीं नहीं भेजा गया, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। कलाई पे निशान वाला हादसा इसके साथ हुआ जरूर था, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाया। मेरी बहन एकदम पवित्र है, कोई पाप नहीं किया इसने।
और ये बात मैं अपने हाथ पे गंगा जल लेके भी कह सकता हूँ। तुम ये सब जानते थे, फिर भी बजाय हमें सब कुछ बताने के तुमने चुपचाप इस लड़की को हमारे घर की बहू बनने दिया। क्योंकि तुम्हें पता था अगर तुम सच कहते तो तुम्हारे हाथ से खजाने की चाबी निकल जाती है ना। तुम जानते थे कि एक बार ये लड़की हमारे घर की बहू बन गई तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने इस रिश्ते को निभाना ही पड़ता। तुम्हें पता था इसके माथे के कलंक के बावजूद हम इसे अपने महल से बाहर नहीं फेंक सकेंगे। इसमें मेरे फीसी की कोई गलती नहीं है। आप मेरे वीरजी से कुछ मत कहिए, फीसी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप जो कहना चाहती है मुझसे कहिए, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। तो ठीक है, सजा तुम ही को मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.